हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद दीक्षा में। आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी भी जो खाने में बहुत ही अच्छी रहती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाते हैं। ये हमने लौकी ले लिया था, उसे हमने अच्छी तरह से कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया और इसमें हम इसे ऐड करते हैं कटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। इसमें अब हम ऐड करते हैं 1 कप के करीब बेसन और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी नहीं डालना है, इसको बिना पानी के ही मिक्स करना है। इसमें पानी डालने पर यह गीला हो जाएगा। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसे हम पकौड़ी इसमें बना के छान लेते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बनाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये जले ना। अभी पकौड़ी मेरी थोड़ी देर तक और तलनी बाकी है। ये पकौड़ी मेरी पक चुकी है और अब हम इसमें इस तरह से छान कर देते हैं ताकि इसमें ग्रेवी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए बनाते हैं। और आगे हमने ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें डालते 1 चम्मच जीरा, खड़ा पत्ता, अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसे ऐड करते हैं कटी हुई बारीक प्याज, इसे भी हम इसमें मिला लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि ये प्याज जल्दी से पानी छोड़ दे और ये पक जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, फ्लेम को हाई नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पका लेते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें ऐड करते हैं कटी हुई बारीक टमाटर। आप चाहे तो टमाटर और प्याज की प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर भी लगभग पक ही चुका है, थोड़ी देर तक और इसे 5 मिनट इसी तरह से करछिल की मदद से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो थोड़े खड़े टमाटर हैं वो पक जाए अच्छे से। और इसमें हम डाल देते हैं हरा मटर। अगर आपके पास हरे मटर ना हो तो आप ना डालें, अगर हो तो अगर डाल देते ज़्यादा अच्छा रहता है। मटर भी मेरा अच्छी तरह से लगभग पक चुका है और इसमें डालते हैं हम गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर मसालों को भी हम पकने देते हैं। मसाला हमारा अभी पक रहा है, मसाला मेरा पक चुका है और इसमें ऐड करते हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी पतली बनानी है, अगर रोटी के साथ खाना है तो ग्रेवी इसकी थोड़ी थिक बनानी होगी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दें। अभी इसमें उबाल आने लगा है और इसे हम अच्छी तरह से चला देते हैं इसमें ताकि ये सब जगह अच्छे से पक जाए। ग्रेवी इसकी बन के तैयार है और अब इसमें डालते हैं कोफ्ते और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसमें ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और कोफ्ता मेरा बन के है तैयार। और इसमें डाल देते हैं ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कोफ्ता हमारा बन के है रेडी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इन्जॉय।